पहाड़ों का असली मज़ा ज़मीन पर होता है और डलहौजी देखेंगे, मज़ेदार जगह, क्लाइमेट बहुत ही प्यारा, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और यहाँ पर हल्का ठंडा है, आप देख रहे होंगे बाबा ने जैकेट डाला, मैंने जैकेट डाली, ठंडी लग रही है। इवनिंग में ठंडा काफ़ी बढ़िया, कल हम इवनिंग में यहाँ पर आए थे, इवनिंग में काफ़ी ठंडा था। और गाइस अभी हम डलहौजी एक्सप्लोर करेंगे। डलहौजी में वैसे आपके पास घूमने के लिए एक गांधी चौक है और सेकेंड लोकेशन जो है आपका वहीं पे एक तिब्बतियन गली मार्केट है छोटा सा, और एक छोटा सा मार्केट है जो आप घूम सकते हैं। उसके बाद आपको निकलना होगा चंबा, यस खज्जर, एंड देन देखिए रास्ता दिखाती हूँ आपको कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइज और कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट से हमें मिलती है एनर्जी। यस हम आगे बुटाल मार्केट एरिया है, ये रास्ता सुभाष चौक जाता है और ये बंद है बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का टाइम है। गाइज अभी हम हैं डलहौजी हिमाचल टूरिज्म के पास और ये देखिए चंबा 52 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड रेलवे स्टेशन पठानकोट इज 80 किलोमीटर्स एंड बहरामपुर इज 115 यानी 115 किलोमीटर्स एंड कांगड़ा 118 यानी 118 किलोमीटर्स और धर्मशाला 125 यानी कि 125 किलोमीटर। हम हैं डलहौजी बस स्टॉप पर। गाइज आप घूमने आए हैं तो पैसे तो खर्च होने वाले हैं, तो पैसों के लिए यहाँ पर ATM है SBI का, तो आप वहाँ से पैसे निकाल लीजिए। और ये टाइम है मॉर्निंग का, इट्स 8:00 इन मॉर्निंग, सो मार्केट बंद है, छोटा सा मार्केट है लेकिन आप शॉपिंग कर सकते हैं। ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स। परिंदे आप पहुंचे हैं डलहौजी पब्लिक स्कूल जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल दिख रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी देखते हैं टैंक और आर्मी कैंप से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं वो जो हमारे पीछे ही दिखेगा, हमारे पीछे आपको दिख रही है खंजर कह लो या नाइफ कह लो, वो आर्मी वालों की यूज की है। ये अपना INS मदान सिंह है, ये और इधर अपनी जिप्सी जो हमारे सैनिक लोग यूज करते हैं, इसके पीछे भी आपको दिखेगा। और इन जीप में छोटे छोटे जो टैंक्स होते हैं वो टैंक इस्टैब्लिश किए गए हैं, तो देखिए बहुत सारे हैं। मिसाइल्स और ये है हमारा फाइटर जेट। तमसोमा ज्योतिर्गमया डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी। सत्यमेव जयते। हम हैं अभी गांधी चौक डलहौजी में, तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। डलहौजी के गांधी चौक पे आपको मिल जाएंगे पकौड़े, ब्रेड, समोसा, रसगुल्ले और जस्ट वहीं पे आपको बगल में दिखेगा कैफे डलहौजी। कैफे डलहौजी में आप सब कुछ खा सकते हैं, मतलब वो फुल ऑन अच्छा ट्रीटमेंट है, हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन में कॉफी विथ हिल्स
मजा ही कुछ और होता है। तो आप आइए और यहाँ एंजॉय कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों चीजें यहाँ मिलती हैं। और अगर आप वहाँ खाना नहीं चाहते, बजट थोड़ा सा सिंक्रोनाइज है, तो फिर आप बाहर निकलिए, पानी पूरी खाइए, और आप मोमोज खा सकते हैं, यहाँ पे ऑमलेट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। तो खानों को एंजॉय कीजिए, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वादियों में वादियों के साथ खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ खाना ही क्यों, शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। यस, यहाँ पर ढेर सारे मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उलन दिखाई दे रहे हैं, शॉल दिखाई दे रहे हैं, स्वेटर दिखाई दे रहे हैं, कार्डियंस दिखाई दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी टोपियां यानी कि कैप है, और वो हिमाचली कैप सो नाइस, मतलब आप खरीद सकते हो उसको। और यहाँ पे आपको शूज, सॉक्स, ऐसे रिलेटेड जो आपकी अभी टूर में काम आने वाली वो ढेर सारी चीजें आपको मिल सकती है। और ये देखिए, ये लगी है सेल, यस 50 अप टू 50। तो हम चलते हैं इसके अंदर, देखती हूँ यहाँ पे कुछ समझ में आता है। तो वैसे मुझे समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी, ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अपने लिए। अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, शॉपिंग तो मेरी हो ही जाती है। भगवा रंग ले लो तुम, कितने का है? 200 रुपए। ये प्रियंका, मैं सत्या हूँ, और ये हमारी शॉपिंग हो रही है। वो तो हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। आइए, हाँ ले लो। कुछ तो कम कर दो आप, प्लीज कम कर दो कुछ। 100 रुपीज़ कम देते, चलो वैसे तो 100 कर दीजिए, बेस्ट है। मार्केट में शॉपिंग 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 कोशिश करेंगे, अगर कुछ सौदा पड़ता है तो ले। ले लो, बोलो, चटक कलर लो, चटक कलर। ये नहीं अच्छा लगता, पेयर है। खोलो खोलो खोलो, देखो पहले पेयर, पता चलो उधर से भक्के आए पेयर के लिए। अरे निकाल के देखो पहले। हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वो नहीं, वो जो कैप होता आप लोगों का ट्रेडिशनल कैप नहीं है, राउंड वाला, वो तुमको वहाँ मिल जाएगा। हिमाचली नहीं, तो जम्मू वाला ही, कश्मीर वाला। एक ही है सर, वो लाल वाला दिखाओ ना। अंकल जी के साथ मैं आग तापने के मजे लेता हूँ। ये देखो अंकल जी, जूते की दुकान है ना आपकी? हाँ जी, हाँ। ये अंकल की शॉप है, और यहाँ से जो खाली डब्बे हो जाते हैं, जो माल बिक जाता है, जो डब्बे छोड़ जाती है पब्लिक, वो अंकल जी यहाँ पे आग ताप देते हैं उसको। चलो अंकल जी, आप स्वागत कर दो। हिमाचल के लोग बड़े प्यारे होते हैं, यहाँ से बातें बहुत अच्छी तरीके से की जाएगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं अलग, मुझे जब